नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP प्रारंभ में इसका नाम था कि स्थापना 1921 में हुई थी। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से संघाई में CCP की स्थापना हुई थी। यह आयोजन ऐसे कठिन समय पर हुआ था जब देश में एक दशक पहले 2000 साल के वंशवादी शासन का अंत हुआ था। चीन का जो राजशाही था वो समाप्त हुआ था। शुरुआती कांग्रेस में माओत्सेतुंग हुनान प्रांत के प्रतिनिधि थे। वे आगे चलकर के 1935 में रेड आर्मी के कमांडर बने, फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के संस्थापक बने। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रैंक में ठीक उसी तरह से इजाफा हुआ है जैसा कि देश की आबादी में। इस महीने तक CCP के 9.5 करोड़ सदस्य हैं, जो चीन की आबादी का 6.7% है। इसके सदस्य आम नागरिक होते हैं। प्रारंभ में किसान और मजदूर इस पार्टी के सदस्य होते थे। 1982 में इसने अपना ध्यान यूनिवर्सिटी के छात्रों की भर्ती पर केंद्रित किया और 2002 में निजी उद्यमियों को। वर्तमान में पार्टी में पुरुषों का दबदबा है। पार्टी में महिलाएं केवल 28.8% हैं। वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो सबसे ऊपर का लेवल है उसके सभी 7 सदस्य पुरुष हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों व युवाओं को यंग पायनियर्स में शामिल होने के लिए शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। इन छात्रों व युवाओं के गले में लाल दुपट्टा पहनना होता है। इन युवा व छात्रों को अन्य युवा व छात्रों को मैनेज करने की भूमिका दी जाती है। यही छात्र जो होते हैं यंग पायनियर्स के सदस्य, ये अन्य छात्रों व युवाओं को पार्टी में लाने का प्रयास करते हैं। हाई स्कूल में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। किशोर विंग में यंग छात्र जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। ये प्रक्रिया 2 से 3 साल तक चलती है। इस प्रक्रिया में कई फेस होते हैं जिसके बाद ही लोगों को पार्टी में शामिल होने की शपथ दिलाई जाती है। 68 साल के सी जिनपिंग इस दशक में चीन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार व गरीबी के खिलाफ निर्णायक काम भी किया है। चीन की ताकत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए सी जिनपिंग को व्यापक समर्थन मिला है। इसी कारण से सी जिनपिंग का CPC में पूरा अधिकार हो गया है। युगांतर नेता घोषित होने के बाद सी जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को चीन में अपराध की श्रेणी में डाला जा सकता है। ऐसे में उनके खिलाफ उठी हर आवाज को दबा दिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र डेली में सी जिनपिंग को हीरो की तरह चित्रित किया जा रहा है। सी जिनपिंग चीनी साम्यवादी पार्टी के एक पुराने नेता सी जोंगसुन के बेटे हैं। साम्यवादी पार्टी के अपने शुरुआती दौर में उन्हें फ्यूजान प्रांत में काम किया। इसके बाद उन्हें पड़ोस के झेजियांग प्रांत का पार्टी नेता नियुक्त किया गया। इसके बाद संघाई और वर्तमान समय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख बनाए गए हैं।